अपना नजरिया सही रखो। कहते ना कि विद ए बैड एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव ए पॉजिटिव डे, विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव ए बैड डे। आपका दिन कैसा जाएगा ये 10 बजे से पहले पहले ही डिसाइड हो जाता है। आप पूरा दिन खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे ये, या आप पूरा दिन नेगेटिव रहेंगे, पूरा दिन दोस्तों के साथ गुस्से में बात करेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, ये 10 बजे से पहले ही डिसाइड हो जाता है। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। इसलिए 10 बजे से पहले जिनकी शादी हो गई है अपनी घरवाली से को पंगा ना ले, नहीं तो दोनों का दिन खराब हो जाएगा। कम से कम वेट करें 10 बजे के बाद, धीरे धीरे बीपी अपने आप सेट हो जाता है सबका। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी कॉन्टेक्ट करना है भाई साहब 10 बजे के बाद ही करो, उससे पहले अपने घर के काम निपटा लो। नजरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। जब मैंने काम शुरू किया, जब मैं मार्केट में जाता था तो लोग नेगेटिव कर देते थे, तो मैं डर के मारे प्लान नहीं करता था। यार लोगों ने मना कर दिया तो, और दूसरा कि प्लान करने के बाद जब नो सुनने को मिलती थी, तो मैं दुकानदार था, तो दुकानदार को तो क्या होता है, सबसे पहले बूनी जब अच्छी हो जाती तो उसको लगता है दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि दुकानदार के लिए भी 10 बजे से पहले ही डिसाइड होता है कि तेरा दिन कैसा रहेगा, तू उधार करेगा आज या पैसे कमाएगा, तेरा गल्ला भर के जाएगा या फिर किताबों में लिखेगा आज कितनी उधारी हुई है? तो मैडम मुझे पूछती है कि कितने प्लान हुए आज, तो मैं झूठ मूठ में बोलता है इतने प्लान हुए, रिजल्ट कोई नहीं, मैं नहीं आया। बोले अपलाइन तो कहती है कि तुम 10 प्लान करोगे 3 रिजल्ट आएगी, आपका तो एक भी नहीं आता। अब अंदर की आत्मा तो मेरी जानती है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि नहीं। मैं इस डर के मारे प्लान नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे नेगेटिव सुनने को मिलता है, लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोग मना कर देते हैं। एक दिन इसने पूछा आज कितने प्लान हुए, मैं कहा इतने। बोले यार मैंने देखा है, मैंने भी पंजाब में सेमिनार अटेंड किया था, छोटे छोटे लड़के हैं जो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं मैंने इतने प्लान किए रिजल्ट नहीं आ रहे। ड्यूस आउट का प्लान तो इतना जोरदार है, अगर शमशान घाट में जाके मुर्दों को दिखाया जाए साला 7 लक्की डालने को तैयार हो जाते हैं, तुम्हारे साथ कोई सिंगल एंट्री डालने को तैयार नहीं हो रहा है, चक्कर क्या है? मैंने इसको बताया यार मैं ना इसलिए प्लान नहीं करता क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि किसी ने मना कर दिया पूरा दिन खराब चला जाएगा। मैं कहा दुकानदार हूं ना, ये सोचता हूँ बूढ़ी अच्छी हो जानी चाहिए, उधारी खाते में नहीं जाना चाहिए काम। कहती कोई बात नहीं है पे, काम करो, नजरिया देखो नजरिया। कहती काम करो, आपको ये लगता ना कोई रिजेक्ट ना करे। मैं कहा कहती बस एक कुर्सी को प्लान किया करो, तो मैंने कुर्सी कुर्सी के ऊपर कुर्सी, उसके ऊपर 2-3 तकिए, उनको प्लान करता। बोले अब देखो क्या होगा, पहला प्लान आपका अच्छा हुआ अगर यस नहीं हुई, अगर नो नहीं हुई तो यस भी नहीं हुई, यस नहीं हुई तो नो भी नहीं हुई, तो बूढ़ी तो आपकी अच्छी हुई, आप जिस मर्जी को प्लान करो। तो ये अपना अपना नजरिया होता है। मेरी अपने ने मुझे एक बात बताई कि जिंदगी में कामयाब होना है तो पेशेंस बनाए रखना, अपना पेशेंस धैर्य मत खोना कभी भी। दूसरी बात, कामयाब होना है तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, अपना नजरिया सही रखना। मैं चाहता हूं कि नजरिए के ऊपर मैडम मेरे साथ ही बैठी हुई है, वो कुछ शब्द जो है वो आपके सामने पेश करे कि आप सुनना चाहते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यस वेलकम, थैंक यू, वेलकम वेलकम, थैंक यू भाई जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया सब? और सुनाइए, मजेदार हैप्पी सर? फाइन फाइन, आप सुनाइए, बढ़िया सर? बस बढ़िया। तो पेशेंस जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और पेशेंस के साथ साथ आपका नजरिया तय करता है कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं। आज का मैंने एक छोटा सा विचार लिखा हुआ है कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना है दोस्त, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि अभी समस्या आई हुई है बाहर पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस के नाम से बहुत बड़ी समस्या आई है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें फिर से शून्य से स्टार्ट करना है। पर मेरा मानना है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शून्य तो उस टाइम था जब हम लोग ने ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन ही नहीं किया था। जब हमने ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन करके शुरुआत की थी तब शून्य था, पर इस वक्त हमारे पास, हम शून्य नहीं हुए हैं, इस वक्त हमारे पास अनुभव है, हमारे पास बहुत ही अच्छी हमारी टीम है जिसके बलबूते पे हम और ज्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। इस वक्त हम शून्य नहीं हुए हैं,
तो ये नजरिया अपना अपना है। कई लोग अपने आप को शून्य मान रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमारे पास बहुत सारा अनुभव है, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और हम और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। नजरिया अपना अपना है। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो समय चल रहा है, बहुत सारे लोग उन परिस्थितियों को झेल नहीं पा रहे हैं, जो परिस्थितियां बाहर उनके आजू बाजू उसके उनके सराउंडिंग एरिया में जो परिस्थितियां हैं वो एकदम भयानक परिस्थिति में चल रहा है इस वक्त सब कुछ, तो उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं और उन परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं, अपनी अपलाइन को दोष दे रहे हैं, अपने बिजनेस को दोष दे रहे हैं, अपनी टीम को दोष दे रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद में जो कमी है वो नहीं देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम एकदम जीरो हो चुके हैं और अभी हमें नए सिरे से शुरुआत करनी है। तो जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि कई लोग ऐसे हैं जो पेशेंस नहीं रख रहे हैं, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, दूसरी को छोड़ के तीसरी में जा रहे हैं, पर उससे क्या होगा? उससे अपनी आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। काम चेंज करने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, अपने सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है कि मैं जो कर सकता हूँ वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता, मैं घर बैठ के भी अच्छा काम कर सकता हूँ, ये अपना नजरिया है। आपने देखा होगा कि जो कोयले की खान होती है उसके आजू बाजू सब जगह कोयला ही कोयला होता है, एकदम काला काला ही होता है, तो वहां की जो परिस्थिति है वो क्या है? कोयला है, काला है, सब जगह है ही काला है, तो उसको आप गोरा तो नहीं कर सकते, आप उसको व्हाइट तो नहीं कर सकते। पर ये बात भी ध्यान रखने के लायक है कि जहां पर कोयला है हीरा भी वहीं से ही निकलता है। यस, अगर हम कोयले के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें कोयला ही दिखेगा, बट हमें अगर हम लोग हीरे के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें हीरा ही मिलेगा। नजरिया है, हमें अपना नजरिया चेंज करना है। हम अपने आसपास की परिस्थितियों से घबराकर अगर हम उनके दास बन जाते हैं तो वो दास बनना है जहां अपने आपको बिंदास रख के आगे बढ़कर अच्छा काम करना है, कामयाब होना है, एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी बनानी है, वो हमारे निर्णय तय करते हैं, हमारा नजरिया तय करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब हमारा बेटा हुआ तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब बच्चा होता है उसके बाद हमारे जो माँ का जो पेट होता है ना उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ऐसे दिखने लग जाते हैं। मार्क्स तो पहले के होते हैं पर जब डिलीवरी होती है उसके बाद वो ज्यादा दिखने लग जाते हैं। तो एक बार ना सर एक ना ट्यूब लेके आए, क्रीम लेके आए और मुझे बोलते हैं कि तू ना ये स्ट्रेच मार्क्स पे क्रीम लगाया कर, उससे वो जो स्ट्रेच मार्क्स जो तेरे पेट पे आया ना वो चले जाएंगे, एकदम पहले जैसा नॉर्मल स्किन हो जाएगा। मैंने बोला मैं ये क्रीम नहीं लगाऊंगी। मुझे सर बोलते हैं कि क्यों, मैं इतनी अच्छी क्रीम लेके आया हूँ, ढूंढ के लेके आया हूँ, तो तू क्यों नहीं लगाएगी? मैंने बोला देखो आपको जो स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं ना मेरे पेट के ऊपर, आपको ये समस्या दिख रही है, आपका देखने का नजरिया अलग है, बट वो जो मार्क्स है मुझे मेरे बच्चे की पहली ड्राइंग नजर आती है, मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं मिटाऊंगी। क्या बात, मैं मेरी स्किन को वैसे का वैसा ही रखूंगी, मैं कभी उन मार्क्स को नहीं हटाऊंगी। आज भी कभी मेरे बच्चों को मैं दिखाती हूँ, वो कपड़े उठा के दिखाती हूँ, देखो ये तुम्हारी निशानी है मेरे पास। तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि मम्मी आप हमको कहाँ से लाए। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं ना जब बड़े होते हैं, जब गुस्से में होते हैं, जब उनके सामने समस्याएं आती हैं तो माँ बाप को कोसने लगते हैं, दोष देने लगते हैं कि तुम लोग हमें कहाँ से लेके आए हो। तो हम कम से कम अपना पेट दिखा तो सकते हैं ना, देखो तुम यहाँ से आयो भाई, ये स्ट्रेच मार्क्स तुम्हारे ही है। तो मैं उन मार्क्स को कभी नहीं मिटाऊंगी, ये मेरा नजरिया है। हमारे सोचने का जो तरीका है ना, हम क्या सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, वो माहौल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कई लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे माँ बाप हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, हमारा जो आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है लोग अच्छे नहीं है, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के पास समस्याएं हैं। बट मेरा मानना है कि माहौल के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, वो आपकी
सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि दो सगे भाई होते हैं, दोनों एक ही घर में पले बड़े होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो एक बड़ा भाई जो होता है वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है और सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसके वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। और जो उसका छोटा भाई होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, वो शराब पीता है, कुछ काम नहीं करता है, घर वालों को मारता है, पीटता है, क्लेश डाल के रखता है। तो एक बार एक बुजुर्ग इंसान, उसने वो उनके दोनों भाइयों का जो रहने का जो तरीका था वो उसे हैरान था। उसने सोचा कि चलो इनसे पूछा जाए कि है दोनों सगे भाई हैं पर दोनों में कितना डिफरेंस है कि ऐसा क्यों है। तो उसने जो शराब पीता था, जो नाकामयाब इंसान था, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसको पूछा जाके कि तुम्हारे भाई को देखो वो कितना सक्सेसफुल पर्सन है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो कितना प्यार से लोगों से व्यवहार करता है, कितनी अच्छी तरह से रहता है, वो क्यों अलग है, तुम्हारी सोच क्यों अलग। उसने कहा कि जब हम छोटे थे तो हमारे पापा बहुत शराब पी के आते थे, इतनी शराब पीते थे, घर में आके कलेश करते थे, हमारी माँ को मारते थे, हमें भी मारते थे, हम लोग उनसे बहुत परेशान थे। तो जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ वो माहौल ही मेरे ऊपर आ गया और मैं वैसा ही बनूंगा जैसे जिस माहौल में मैं पला बड़ा, मैं वैसा ही बन गया। मेरे पास कोई दूसरा कोई तरीका ही नहीं था, मैं और क्या बन भी क्या सकता था, क्योंकि मैंने तो अपने बाप से ही सीखा सब कुछ। उसने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो उसके दूसरे भाई के पास गया, उसने उसको पूछा कि मैंने देखा है तुम दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, वो अलग है और तुम अलग हो, तुम इतने अच्छे सक्सेसफुल इंसान कैसे हुए लाइफ में, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा कैसे है, तुम अपनी फैमिली को इतना प्यार कैसे करते हो, ये तुम दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, ये तुमने कहां से सीखा। तो उसका जवाब ये था कि जब हम छोटे थे मेरे पापा बड़ी शराब पीते थे और जब भी वो शाम को घर पे आते थे, घर पे आके लड़ाई झगड़ा करते थे, मेरी माँ को बहुत मारते थे, हम दोनों भाइयों को बहुत मारते थे, पीटते थे, घर में कोई पैसा नहीं देते थे खर्चा करने के लिए, हमारी जिंदगी नर्क बना के रखी थी उन्होंने। तो एक दिन जब वो शराब पी के उन्होंने धमाल की तो मैंने उनकी इन सब हरकतों से एक बात सीखी, मैंने उनसे मैंने निर्णय लिया कि मैं जिंदगी में कभी अपने बाप के जैसा नहीं बनूंगा, मैं हमेशा अपनी अपनी मर्जी का इंसान बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं अपने परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा और मैं कभी भी अपने अंदर किसी गलत आदत को नहीं डालूंगा जिसकी वजह से मेरा परिवार परेशान हो, मेरी समाज में इज्जत कम हो, मैं वो काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। मैंने उस टाइम वो शिक्षा ली और उस शिक्षा को लेके, उस निर्णय को लेके आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सका हूँ। अपने अपने सोचने का तरीका है, दोनों सगे भाई, दोनों एक ही माहौल में पले बड़े हैं, एक ही माहौल में उन्होंने जीना सीखा है, जिंदगी में रहना सीखा है, पर दोनों की सोच में दुनिया भर का अंतर था। मतलब आप मान नहीं सकते, वो एक शराबी था और एक इतना अच्छा सक्सेसफुल इंसान था, दोनों में बहुत फर्क था। तो फर्क कहाँ से हुआ, वो एक ने माहौल को अपने अंदर डाल लिया और एक ने उस माहौल को दूर किया और अपने आप को निखारा, खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, खुद एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को लेके वो आगे बढ़ा। तो हमारे साथ भी ऐसा होता, माहौल के ऊपर कुछ नहीं है, माहौल कैसा भी है बाहर, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो हमारा नजरिया तय करता है। और मुझे जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कई लोगों के जीवन में एक जैसी नेगेटिव परिस्थितियां हों, लेकिन आप भविष्य में क्या बनेंगे या क्या करेंगे ये आपके विचार तय करते हैं, आपका नजरिया तय करता है और आपके निर्णय तय करते हैं। आप आज जो निर्णय लेंगे आप जिंदगी में आगे वही बनेंगे। कई लोग पता क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आज मेरी 3 एंट्री आ गई, आज का गुजारा होगा, 2000 का चेक बन जाएगा, कल का देखेंगे। ये सोच बहुत ही गलत है, बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपनी 3 एंट्री के बारे में ऐसा सोच रहा है, वो 3 का 30 बनाने के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो अपनी टीम के साथ क्या करेगा, उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए क्या सोचेगा। वो जो अपने बारे में सही नहीं सोच सकता वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा।
हम जिस बिजनेस में हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी टीम ग्रो करेगी तो मैं ग्रो करूंगा। अगर मैं अपनी 3 एंट्री के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं तो मैं जिंदगी में कभी ना मैं खुद कामयाब हो सकता हूं, ना ही मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कामयाब हो सकते हैं। हमें अपना एटीट्यूड, हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लास्ट में ना एक चीज कहना चाहूंगी कि जो अच्छे विचार होते हैं, इंसान को अच्छे विचार पढ़ने से लिखने से जिंदगी में बदलाव नहीं लाते, बल्कि उन विचारों को जिंदगी में उतारने से ही बदलाव आता है। अगर संजय सर आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, हम मैं ये नहीं बोल रही कि वो सिखा रहे हैं सबको, हम खुद सीख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग बनती है हम जब सीखते हैं तो ही ट्रेनिंग बनती है, ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं बनती है। तो आज जो भी हम बोल रहे हैं, जो कोई और भी बोलेगा, कल को किसी और की भी हम मीटिंग अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है, पर जो वो अच्छे अच्छे विचार हमें दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें उन विचारों को अगर हमने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो हमारी जिंदगी में कभी चेंजेस नहीं आ सकते। हमें उन विचारों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपने नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, का टाइम हो रहा है और ट्रेनिंग काफी लंबी है। लंबी नहीं है ज्यादा, इनको ड्रामा भी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है ना, हैप्पी सर, एक बार पता क्या होता है, आगे थोड़ी, एक बार पता क्या होता है, शाम को बंदा अपने घर पे आता है फ्रेश होके, जब उसकी वाइफ खाना परोसती है तो उसने जैसे ही मतलब बुर्की तोड़ी खाने लगा, कहते हैं यार सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, तो सामने से बीवी पता क्या बोलती है, सब्जी में नमक उतना ही है जितना रोज डालते हैं, लेकिन सब्जी कम है। नजरिया है ना, नजरिया है, नजरिया, नजर बदलती है तो नजारे अपने आप ही बदल जाते हैं। जब पहली बार, मैं आपको एक बहुत रियल घटना बताता हूं, जब पहली बार मैं रहन करके एक जगह पड़ती है हिमाचल में, जहां पे मैं अपने ससुराल में गया हुआ था, तो वहां सुरेंद्र सर मिले, पहला दिन था मेरी जिंदगी का जब हमने डिसाइड किया कि हमें ज्वाइन करना है, 27 अगस्त 2002। इन्होंने बोला कि अगर ज्वाइन करना है तो एक काम कर, चल पैसे ला, रजिस्ट्रेशन के 500 रुपया देने पड़ेंगे और 3 दिन तक वैलिड है, 3 दिन के बाद अगर तू पैसे वापिस मांगेगा तो मिलेंगे भी नहीं, अगर नहीं लेके आया तो फिर ये भूल जाना 500 रुपया। तो मैंने कहा सर लाओ, कहां साइन करने हैं। मैंने 500 रुपया दिया, साइन करने लगे तो आप मानोगे नहीं कि मैंने 5 पेन लिए, 5 पेन। मैं एक पेपर के ऊपर पेन लगाता, मैं कहा नहीं, मैंने अपनी साली को कहा, मैं कहा एक काम कर, इससे बढ़िया पेन नहीं कोई, उसने दूसरा पेन निकाला, मैं कहा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तो अगला पेन नहीं कोई, वो कहते यार साइन ही करने कर दे, पर उनको क्या लग रहा था कि ये साइन कर दे, लेकिन मैं कुछ अपने दिमाग में और सोच रहा था। मैंने ना तीसरा पेन मंगाया, चौथा पेन मंगाया, ऐसे पांचवा पेन, मैंने कहा बढ़िया पेन ला, महंगा सा पेन दे कोई। कहती मेरे पास ना जीजा जी पायलट पेन है, पायलट पेन, हमारे टाइम में पायलट पेन बहुत चलता था, बोला पायलट पेन है, बड़ा मस्त पेन है। मैं कहा ला, मैं कहा इससे महंगा है कोई, बोले नहीं पायलट ही चलता है आजकल, मार्केट ही पायलट की है। मैं कहा ला, मैंने पायलट पेन से साइन किए। मुझे सुरेंद्र सर ने कहा कि बाकी ये जो 4 पेन तेरे पास पड़े हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी। मैं कहा इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके लिए ये हो सकता है कि ये जो फॉर्म है ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिंदगी बनाने वाला एग्रीमेंट है और ये सस्ते पेन से नहीं हो सकता, ये महंगे पेन से ही करूंगा मैं साइन। मैं उसके ऊपर साइन कर रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर साइन नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी बनाने वाले एग्रीमेंट पे साइन कर रहा हूं। तो इस तरह का ये नजरिया अपना अपना, कोई कहता है यार फॉर्म ही साइन किया है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, ये एटीट्यूड है। मैंने 4 लोगों को पूछा कि तुम इस बिजनेस में क्यों आए हो, तुमने क्यों इसको ज्वाइन किया है, तो पहले वाले ने पता क्या जवाब दिया कि मेरे पास कोई काम ही नहीं था तो मैंने सोचा ये कर लेते। दूसरे को मैंने पूछा कि तूने इसको क्यों ज्वाइन किया, कहता इसने बोला था, इसने इसलिए किया। मतलब उसका भी खुद का फैसला नहीं है। मैंने तीसरे को बोला कि तूने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, कहता अब जॉब में मजा नहीं रहा सर, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, मजा नहीं रहा सर, बड़ा कंपटीशन है, बॉस बहुत ऐसी तैसी करता है, इसलिए सर जॉब में मजा नहीं, तो मैंने सोचा चलिए ये कर लेते हैं। चौथे को मैंने पूछा तूने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, कहता मैं जिंदगी बनाने आया हूं। एक ही सवाल 4 लोगों से पूछा गया, 4 लोगों के जवाब अलग अलग थे। कहता मैं जिंदगी बनाने आया हूं। मैंने कहा उसको कि अगर जिंदगी ना बनी तो, कहता क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है,
अगर इसमें हैप्पी सर कामयाब हो सकते हैं, गुरप्रीत सर कामयाब हो सकते हैं, अगर कलसी सर कामयाब हो सकते हैं, संजय चौधरी कामयाब हो सकता है, अगर चिंटू जी कामयाब हो सकते हैं, तो क्या मैं कामयाब नहीं हो सकता? ये है कामयाब होने वाला एटीट्यूड। नहीं तो ऐसा नहीं, तूने क्यों ज्वाइन किया, कहता इसने बोला था, इसने वो वाले एटीट्यूड वाले लोग कामयाब नहीं होते। एक व्यक्ति, उसको पूछा गया था कि तुम ये सोना जमीन से निकालते हो तो कितने टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तो उसने कहा था कि 10 टन मिट्टी हटानी पड़ती है तब जाके कहीं 10 ग्राम सोना मिलता है। तो सामने वाले ने पूछा कि है 10 टन मिट्टी, तो तुम्हें थकावट महसूस नहीं होती है? वो कहते नहीं। कहते क्यों? कहता हमारी नजर 10 टन मिट्टी पे नहीं होती, हमारी नजर उस मिट्टी के ढेर में जो सोना छुपा होता है उसके ऊपर होती है। नजरिया अपना अपना है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? कहता आई एम गोइंग टू फाइंड समवन, मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूं, ढूंढने। दूसरे को पूछा कि तू कहां जा रहा है, उसने कहा आई एम गोइंग टू बिल्ड ए लाइफ, मैं जिंदगी बनाने जा रहा हूं। मैंने तीसरे को पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, तो उसका जवाब था आई एम गोइंग टू फाइंड ए सफायर। तीनों प्लान करने जा रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा किसी को ढूंढने जा रहा हूं, दूसरे ने कहा जिंदगी बनाने जा रहा हूं, तीसरे ने कहा मैं किसी सफायर को ढूंढने जा रहा हूं जो मार्केट में बैठा है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपको ना एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्लान इसलिए करने हैं क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में जितने रिकॉर्ड आज तक टूटे हैं, आपको इस बात की मैं जानकारी दे दूं, जितने रिकॉर्ड आज तक ड्यूसॉफ्ट में टूटे हैं उनके भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला व्यक्ति अब तक ज्वाइन नहीं हुआ है, वो मार्केट में घूम रहा है। इससे पहले कोई दूसरी कंपनी वाला लेके चला जाए, भाई साहब प्लान दिखाने शुरू कर दो। एटीट्यूड क्या होता है कि एक बार ना बाटा कंपनी ने 2 अपने इंजीनियर भेजे विदेश में कि जाओ वहां पता करके आओ, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा देते हैं, तो वहां देखो कि जूते बिकेंगे कि नहीं। तो वहां से एक व्यक्ति का मेल आया जो नेगेटिव था, उसने वहां देखा यार लोग तो जूते पहनते ही नहीं, तो यार यहां तो कोई मतलब ही नहीं, यहां तो काम चलेगा नहीं। उसने 7 बजे मेल किया कि सर प्रोडक्शन काम कर दो क्योंकि यहां लोग जूते नहीं पहनते, तो हमारे जूते बिकेंगे नहीं। तो उन्होंने इंतजार किया, दूसरे जो मार्केटिंग का व्यक्ति दूसरा था उनका, उसका इंतजार किया, उसके मेल का, उसका मेल आया 7:30 बजे। उसने बोला सर जितनी प्रोडक्शन बढ़ानी है बढ़ा दो, जूते बहुत बिकेंगे, अगर हमने मार्केट सही ढंग से कर दी ना तो जूते बहुत बिकेंगे, क्योंकि क्योंकि ये लोग जूते पहनते नहीं है। जिस दिन उनको ये बेनिफिट बता दिया इसका कि जूते पहनने से क्या हो सकता, तो सर हमारे जूते बहुत बिकेंगे। उसी काम को लेकर एक व्यक्ति की सैलरी जो 50,000 थी उसकी उसी टाइम 1,00,000 कर दी गई, और एक व्यक्ति को उसी टाइम सस्पेंड कर दिया गया जिस व्यक्ति ने यह कहा था कि सर यहां लोग जूते नहीं पहनते, जूते नहीं बिकेंगे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक की प्रमोशन हुई और एक को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि दोनों का एक ही काम को देखने का नजरिया अलग अलग था।